हेलो बच्चों, आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको लीवर के बारे में बताऊंगी। लीवर को क्या कहते हैं बच्चों? लीवर को हिपर भी कहते हैं, ठीक है। और लीवर के एक खासियत ये है कि ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? वो है लीवर। और लीवर का पोजीशन हम जान ले बच्चों, तो लीवर का पोजीशन कहाँ है आपका? लीवर को हमारे बॉडी में, ये हमारा बॉडी तो इसके राइट साइड में, डायफ्राम के नीचे राइट साइड में हमारा लीवर लाइज करता है, ठीक है। ये देखो, लाइज इन द अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में, ठीक है। और लीवर क्या होता है? हैवियर इन मेल्स होता है देन फीमेल्स। मेल्स में ये ज्यादा हैवी होता है फीमेल की अपेक्षा, ठीक है। मेल में इसका जो वेट होता है 1.4 टू 1.8 केजी होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है बच्चों? 1.2 टू 1.5 केजी, ठीक है। लीवर को दो लोब्स में डिवाइड किया गया है, पहला है राइट लोब और दूसरा है लेफ्ट लोब, ठीक है। लीवर को टू लोब्स में डिवाइड किया गया है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब को फर्दर किस पे तीन पार्ट में ये डिवाइडेड है, डिफरेंशिएटेड है? राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब, ठीक है। राइट लोब, लेफ्ट लोब, फिर राइट लोब को डिफरेंशिएट किया गया है राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब में। और राइट लोब और लेफ्ट लोब जो है बच्चों, वो सेपरेटेड है फैंसीफेरम लिगामेंट से। फैंसीफेरम लिगामेंट क्या है? ये मेम्ब्रेन है जो कंटिन्यू करता है पेरिटोनियम के साथ, कंटिन्यू करता है। यहां पे आप देखो बच्चों, ये देखो, ये राइट लीवर लोब है और ये आपका लेफ्ट लोब है, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड किससे हुआ है? फैंसीफेरम लिगामेंट से। ये डायफ्राम है आपका, ठीक है। ये दोनों डिवाइड हुआ है फैंसीफेरम लिगामेंट से, ठीक है। और यहाँ पे एक इसके डक्ट के बारे में आपको बता दूं बच्चों, ये देखो राइट हिपेटिक डक्ट, राइट लोब से क्या निकल रहा है? राइट हिपेटिक डक्ट, ठीक है। और लेफ्ट लोब से क्या निकल रहा है? लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ठीक है। फिर ये दोनों जाकर के ये क्या बनाता है? कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये देखो, ये जाकर के बनाया आपका, ये देखो, ये राइट हिपेटिक डक्ट और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट, ये जाके बना आपका कॉमन हिपेटिक डक्ट। और ये आपका है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से हमारा एक डक्ट निकला जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो यहां से सिस्टिक डक्ट निकला गॉल ब्लैडर से और ये कॉमन हिपेटिक डक्ट से, ये दोनों मिलके ये जाकर ये कहां जाएगा? ये बाइल डक्ट के साथ, ये बाइल डक्ट के साथ कंटिन्यू करेगा। कॉमन हिपेटिक डक्ट ये बना राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट मिलके हमारा बना कॉमन हिपेटिक डक्ट, और कॉमन हिपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ यहाँ पे मिला और उसके बाद आगे जाके ये बाइल डक्ट के साथ मिल गया, ठीक है। ये दोनों मिलके बाइल डक्ट बना दिया। अब ये दोनों बाइल डक्ट, जो बाइल डक्ट और ये है आपका पेंक्रियास का मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, तो ये बाइल डक्ट कंटिन्यू करके और पेंक्रियास का ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों जाकर के क्या बन गया हमारा? हिपेटो पेंकेटिक एम्पुला, हिपेटो पेंकेटिक एम्पुला बना, जिसको एम्पुला ऑफ बेटर कहते हैं। ये दोनों जाकर के मिला और ये क्या बन गया? हिपेटो पेंकेटिक एम्पुला, जिसको एम्पुला ऑफ बेटर कहते हैं, ठीक है बच्चों। और ये एम्पुला ऑफ बेटर कहां जाके खुलता है? ये आपका ड्यूडिनम है, ये ड्यूडिनम है, ये जाके यहाँ ड्यूडिनम में खुल गया, ठीक है बेटे। यहाँ दो पॉइंट और याद रखो आप, एक होता है स्पिंचर ऑफ बॉयडन, ये आपका बाइल डक्ट जब पेंकेटिक डक्ट से मिलता है उससे पहले ये स्पिंचर पाया जाता है, ठीक है। और एक दूसरा स्पिंचर है आपका हिपेटो पेंकेटिक एम्पुला के पास है, स्पिंचर ऑफ ओडी, ठीक है। ये दो स्पिंचर पाया जाता है, ये आप याद रखो। थोड़ा सा हम गॉल ब्लैडर के बारे में भी जान लेते हैं। गॉल ब्लैडर क्या है बच्चों? ये पियर शेप्ड सैक है, ठीक है। और ये अटैच होता है ये पोस्टेरियर सरफेस ऑफ लीवर से बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये पोस्टेरियर सरफेस, लीवर के पोस्टेरियर सरफेस से अटैच रहता है बाय कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से। ये स्टोर क्या करता है?
बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर, लीवर से जो भी बाइल सिक्रीशन होता है इसका काम है उसको स्टोर करना गॉल ब्लैडर का। और ये रैट एंड हॉर्स में याद रखो बच्चों, गॉल ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपके गॉल ब्लैडर के बारे में बच्चों। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होता है वो क्या होता है, ये आप लोग सबको पता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या है, हिपेटिक लोबल्स, ठीक है। तो हिपेटिक लोबल्स क्या है बच्चों, ये क्या होता है, हिपेटिक सेल्स जो होता है वो अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, ठीक है। तो उसको ही हिपेटिक लोबल्स बोलते हैं, ठीक है। हिपेटिक लोबल्स किससे बना हुआ है, हिपेटिक सेल्स से। और ये हिपेटिक सेल्स किस फॉर्म में, कॉर्ड फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। तो ये होगा हिपेटिक लोबल्स, ठीक है। और जो ईच लोबल, जो लीवर का जो ईच प्रत्येक लोबल जो होता है वो किससे कवर्ड होता है, थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर्ड होता है, जिसको हम ग्लिसरल्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। ग्लिसरल्स कैप्सूल कहते हैं, ये ग्लिसरल्स कैप्सूल्स अगर लीवर में पाया जा रहा है तो ये मेमेलियन लीवर होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक है मेमेलियन लीवर का, ठीक है। और मेमेलियन लीवर में कुफर सेल्स भी पाया जाता है, ठीक है। ये कुफर सेल्स क्या है, ये फेगोसाइटिक सेल्स है। ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी और बैक्टीरिया सबको इंगल्फ करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। कुफर सेल्स क्या है, फेगोसाइटिक सेल्स है, और ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी और बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और हिपेटिक लोबल्स में क्या, फैट स्टोरेज सेल्स भी पाया जाता है। और एक बात बच्चों याद रखो, जो प्लेट ऑफ लीवर सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द इंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द साइनसॉइडल, ठीक है। ये अगर ये समझो कि अगर ये सेल्स है लीवर का, ये सेल है, ये सेल है, तो ये सेपरेटेड होता है साइनसॉइड से, और इसको प्री साइनसॉइडल स्पेस ऑफ बीसी कहते हैं, इससे ये सेपरेट रहता है। यहाँ पे भी कुछ फैट सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। बच्चों ब्लड वेसल्स एंड बाइल डक्ट्स प्रेजेंट इन पोर्टल कैनाल्स आर सराउंडेड बाय नैरो स्पेस ऑफ माउथ। ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स या जो बाइल डक्ट्स लीवर में पाया जाता है वो सराउंडेड होता है नैरो स्पेस ऑफ माउथ से, ठीक है। और जो ये आप देखो कि बाइल कहाँ कहाँ जाएगा लीवर में, देखो बाइल हिपेटोसाइट से निकला, ठीक है, लीवर 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 में फॉर्मेशन हुआ हिपेटोसाइट से, हिपेटिक सेल से। फिर ये कहा जाएगा, बाइल कैनाकुली या बाइल कैपिलरी में जाएगा। उसके बाद ये कहा जाएगा, हैरिंग्स कैनाल में, हैरिंग्स कैनाल के बाद ये जाएगा इंटरलोबुलर बाइल डक्ट में, ठीक है बच्चों। ये बाइल का जो लीवर में है कहाँ कहाँ जाता है, किधर कहाँ प्रोडक्शन होता है, कहाँ से कहाँ जाता है, ये मैं आपको बता दिया। और लीवर का हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं बच्चों, जो ब्लड जो इंटर करता है लीवर में, ये दो सोर्स से इंटर करता है, कहां से, एक हिपेटिक आर्टरी से लीवर में ब्लड जाएगा और दूसरा है हिपेटिक पोर्टल वेन से लीवर में ब्लड जाएगा। जो हिपेटिक आर्टरी से जो ब्लड जाएगा लीवर में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है, और हिपेटिक पोर्टल वेन से जो ब्लड जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये हिपेटिक आर्टरी में ब्लड कहां से आता है, ये ऑर्टा के थ्रू आएगा, और जो हिपेटिक पोर्टल वेन में जो ब्लड आएगा ये इंटेस्टाइन और स्प्लीन से आता है। तो बच्चों यहां हमारा लीवर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं लीवर के फंक्शंस के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगी। बस आज इतना ही बच्चों, अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट्स भी कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना मेरे चैनल से कितना सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आप कमेंट्स करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मैं उसका आंसर दूंगी आपको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।